हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट, एमपी सेट और मेडिकल सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वो प्रश्न होंगे वन लीनियर में, और वो प्रश्न अगर हम बात करें आप लोगों से तो यूजीसी नेट में और एमपी सेट सोशल वर्क में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 3500 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है, और इसका एग्ज़ाम आप लोगों का जून में है, और 11 मार्च से आप लोगों की ये क्लास जो है नियमित समय से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एमपी सेट जून की तो ये तो ऑलरेडी बताया गया है कि 4 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम है, और इसकी अगर आप सोशल वर्क ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 3500 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर Grade 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो PDF, PYQ, मॉक टेस्ट और ऑल मटेरियल इंग्लिश माध्यम में आपको मात्र 999 रुपये में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 और 28 फरवरी रखी गई है। चलिए आपको बता दूं कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एवरीडे आपकी लाइव क्लासेस होगी, टॉपिक एक यूनिट के क्रम में समाप्त किया जाएगा, और हर टॉपिक की जो जैसे समाप्त होगा तो उसके बाद आपकी एक क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी उस यूनिट के संबंध में, और क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो वो डाउट भी आपको क्लियर किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जैसे 2004 से लेकर 2023 तक के, आप मार्च वाला 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और कॉल के माध्यम से भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों से यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रखा हो, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वन लीनियर के रूप में, ताकि आपको वो चीज़ें अगर पेपर में आता है या आप जब अभी कथन के रूप में आए या जब उसके कोट के रूप में आए, पॉइंट के रूप में आए, तो वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए कह रहा है, पहला फैक्ट आपके सामने है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये, तो उत्तर उसका होगा 1968। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, कह रहा है कि भारत देश में सबसे पहले यानी सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू हुई थी। तो इंदिरा गांधी आपका ऑप्शन रहेगा फिर अगर वहाँ पे, तो इंदिरा गांधी ही करेक्ट माना जाएगा। तीसरा है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, आपका सही जवाब होगा 1986। बात करेंगे भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई, तो आपका ऑप्शन में जगह जो 34 वर्ष लिखा रहेगा वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी, तो 2021 और 22 बताया गया है, अब यहाँ तक जो है 2021 और 22 तक में नई शिक्षा नीति जो है लागू हो जाएगी, बट कोविड की वजह से डिले हो रहा है, हर जगह अभी ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, NHEB नेशनल हायर एजुकेशन बिल आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर का है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2000 को। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर का, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है, तो ये बेसिकली जो नई शिक्षा 2020 है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह आई है। 10 पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है,
ध्यान रखेंगे। सही जवाब होगा 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को। बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया जाएगा, अंग्रेजी को यानी इंग्लिश लैंग्वेज को। नेक्स्ट बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, ध्यान रखेंगे मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा, कक्षा 5 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, ध्यान रखिएगा ये वर्ष रहेगा 2030 तक। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, रमेश पोखरियाल निशंक। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, उत्तर होगा आपका 6%। बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा, याद रखेंगे HECI को, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे स्कूल पाठ्यक्रम के 10 यानी 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में पूछा जा रहा है, 5+3+3+4 पैटर्न लागू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा के लिए शुरू किए जाएंगे, क्लास 6 से ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट बात करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कितने वर्ष तक, उसके अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है कि बच्चों का जो है कितने वर्ष तक कर दिया जाएगा, ठीक है नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, ई पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आपके सामने है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1988। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1987 और 88 में। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है, तो 1995 में। बात करेंगे नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है, तो 1985 में। बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है, दूसरा MP। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर कि कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है, 20 अगस्त तक। बात करेंगे किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, तो सही जवाब होगा द्वितीय शिक्षा नीति। बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है, तो 3 स्तर पर बांटा गया है। बात करेंगे नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है, तो के कस्तूरी रंजन के। बात करेंगे 34 में कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम।
बात करेंगे 35 में कि नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। द सेंट्रल अगर हम बात करें एडवाइजरी, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है CABE। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। 3 बार आ चुकी है, 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, 1986 में राजीव गांधी के समय में, 2020 यानी 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कब किया गया था, तो वह वर्ष होगा 1992। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बात करेंगे कि वर्ष 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो याद रखिएगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने। बात करेंगे 42 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा ग्रेड 5। बात करेंगे यहाँ पर 43 में कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है, तो 2030। बात करेंगे 44 में कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर के कस्तूरबी रंजन। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, 50% आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नई शिक्षा नीति से संबंधित थे, आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। 5+3+3+4 इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये पहला होता है फाउंडेशन स्टेज, जो इसको बोला जाता है प्रीपेटरी स्टेज, इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है, इसको सेकेंडरी कहा जाता है। वर्ष संख्या अगर हम बात करें तो ये 5 वर्ष संख्या हो गई, ये 3 वर्ष है, ये भी 3 वर्ष है और ये 4 वर्ष है। इसमें अगर मैं क्लास की बात करूँगा तो ध्यान रखिएगा ये क्लास 1 और 2 रहेगा। शुरुआत इसकी जो होगी प्री प्राइमरी, यानी प्री प्राइमरी की बात करूँ तो 3 वर्ष से यहाँ पे इंट्री हो जाएगी। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्लास 3 से लेकर 5 तक की बात इसमें की गई है। आपका जो दूसरा स्टेज है प्रीपेटरी स्टेज, तीसरे स्टेज की अगर मैं बात करूँ मिडिल स्टेज में, क्लास 6 से लेकर ये स्टार्ट होगा, 8वीं क्लास तक में जाएगा। और उसके बाद अगर मैं फोर्थ वाले स्टेज की बात करूँ तो ये 9 से स्टार्ट होगा, 12th तक जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की जो उम्र निर्धारित की गई है पहले वाले स्टेज में, याद रखेंगे 6 से 8 वर्ष रखी गई है इसमें, और इस दूसरे वाले में बात करेंगे तो 8 से लेकर 11 वर्ष रखा गया है एज। इस तीसरे वाले में अगर मैं बात करूँ मिडिल स्टेज वाले में, तो 11 से लेकर 14 वर्ष डिसाइड किया गया है, और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ सेकेंडरी स्टेज के बारे में, तो ये 14 से लेकर 18 वर्ष एज को बताया गया है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। ठीक है ना, तो ये था समाज कार्य में एकाध प्रश्न में देखने को मिल जाते हैं नई शिक्षा नीति से, और इसी के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्लास थी आज की, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट बना के रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों से अगर पूछा भी जाएगा नई शिक्षा नीति से तो इसी के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए ये। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आप सभी लोगों को बता दूं कि फेज 3 में सोशल वर्क का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फेज 4 में होगा, और यानी कि आप ये सोच लीजिए कि होली के बाद UGC NET समाज कार्य का जो है पेपर कभी भी हो सकता है, और ये नोटिफिकेशन आपको 7 मार्च से पहले पहले ही मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा की तिथि कब है।